हेलो फ्रेंड्स, मनिका सिंह स्टेशन में आपका स्वागत है। तो नवरात्रि स्पेशल सीरीज में हमारी तीसरी रेसिपी का नाम है आलू का हलवा, जो कि घर पे अवेलेबल इंग्रेडिएंट से इजीली बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस उपवास में आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आए। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो आलू का हलवा बनाने के लिए मैंने लिए है 2 आलू, जिसे मैंने 3 सीटी आने तक उबाला है एकदम धीमी आंच पर, और फिर उसे पील करके मैश कर लिया है। 2 बड़े चम्मच चीनी ली है, 1 चम्मच घी और इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो केसर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करके पैन में हम डाल देंगे घी और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट होने के बाद हम उसमें डाल देंगे हमारे मैश्ड पोटैटोस, जो हमने आलू मैश किए थे वो, और अब हमें घी के साथ में आलू को अच्छे से भूनना होगा, अच्छे से मिलाना होगा बिल्कुल। तो लगातार 40-50 सेकेंड भूनने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं चीनी, क्योंकि हमें इसे और भी भूनना है और भूनने में इसे हमें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए चीनी मैं थोड़े जल्दी डाल दूँगी ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और उसका जब पानी है उसके हेल्प से हमें भूनने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो हम इसे लगातार अब आगे करीब 8 मिनट तक भूनेंगे। जितना अच्छा आप आलू को भूनेंगे उतना ही अच्छा आपका हलवा बनेगा, इसलिए हमें इसे एकदम धीमी आंच पर ही लगातार भूनते रहना होगा। हमें गैस की आंच कहीं पर भी बढ़ानी नहीं है। ये देखिए, लगातार 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद हमारे आलू का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा बादामी सा लग रहा है। बस हमें और इसे 4-5 मिनट तक भूनना है, फिर हमारा हलवा बन जाएगा। अभी इस टाइम पे अगर आपको कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट जैसे केसर या फिर गुलाब जल या इलायची पाउडर डालना है तो आप डाल दीजिए, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा अगर आप उसे इस टाइम पे डाल दोगे तो। कहीं पर भी हम गैस की आंच बढ़ाएंगे नहीं, आलू को हमें लगातार भूनना होगा। अगर हम उसे छोड़ देंगे या फिर गैस की आंच बढ़ाएंगे तो वो आलू जो है वो जल सकते हैं। देखिए, अब करीब 8 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए और बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से होना चाहिए। जब ये ऐसा हो जाएगा तो आपका हलवा बनकर रेडी है। आप चाहे तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, वैसे ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने हलवे को थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और केसर के साथ में गार्निश किया है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।